ना अखबार च की लिखिया है? सोम जी, पंजाब दा बनेगा की? सच्चे पातशाह वाहेगुरु जाने। बड़े दुख नाल कहना पैंदा है कि हुण राजनीति विच सच्चे पातशाह वाहेगुरु नूं भी वरती जांदे। अफसोस तो इस गल का ही है किरण जी कि हुण समाजिक मुद्दे तो नेतावां दीआं नज़रां चों खत्म हो गए ने। 2019 दीआं जिहड़ीआं चोणां ना सिर्फ तो सिर्फ धार्मिक मुद्दिआं ते लड़ीआं जाणगीआं। आखिर जिहड़ी पार्टी आउंदी है बरगाड़ी बरगाड़ी 'च होए बेअदबी काढ़दी, इंसाफ सिर्फ इन्हां लोकां दे वादिआं ते ही मिलेगा। इस गल दा दुख हुंदा है, पर अफसोस की गल है कि जस्टिस जोरा सिंह बोले तो जरूर है पर उन्होंने बहुत देर हो चुकी है। इसे गल नूं मैं पढ़ रहा सी अखबार विच सोम जी। जस्टिस जोरा सिंह, जस्टिस ओ नाम जिदे उपर असीं सारे भरोसा करते हैं। बिल्कुल, इन्हां ने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट दित्ती, रिपोर्ट किहड़े कारणां करके पहुंची ना फड़ी गई सब पता है, इह सारा राजनीति दा हिस्सा है। लेकिन उस समें इन्हां दे मूँह विच्चों इक लफ्ज़ नहीं निकलिया। अज जदों आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते ने तो अज किदां बोल पए? और मैं चाहता किरण जी कि जस्टिस जोरा सिंह के वो जोड़े शब्द है मेरा ख्याल एक बार आवाम को सुनाए जाए। बिल्कुल, आवाम नू सुनाए भी जान ते ए समझ भी आवे आवाम नू कि आखिरकार जस्टिस जोरा सिंह दे पिछे अज कीड़ी ताकत बोल रही है। कुछ आदमियों ते शक है भी ये बंदियां ने यह कार्रवाई की है, ये गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी उन्होंने की है। वो छे आदमियों का नाम मैनू दे के जाते हैं, मैं जिन्हें भी पुलिस वाले आए हैं जो जिन्हें भी है उन्होंने पूछा स्पैसिफिकली भी तुम ये आदमी जोड़े गए आया इन्हों इंटैरोगेट किया, इन्हों अरैसट करके इंटैरोगेट किया, इनवैसिगेशन ज्वाइन कराई। सारे का एक सिंगल लाइन जवाब से किसी इंटैरोगेट नहीं किया, किसी इनवैसिगेशन ज्वाइन नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? उन्होंने इनवैसिगेशन ज्वाइन करते, उन्होंने इंटैरोगेशन करते तो बड़े आराम ना विदिन वीक मुझे पता लग जाने से कौन है। ये क्यों नहीं किया? पहली गवर्नमेंट तो उम्मीद सी कि उन्होंने नहीं करना, लेकिन कैप्टन साहब की गवर्नमेंट आने पर मैंने पूरी उम्मीद सी भी वह जरूर ये विदिन वीक उन्होंने इंटैरोगेट करके पूछे। पर इस बयान तो बाद भी जी राजनीति है वो रुक दी नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल, सुखबीर सिंह बादल, क्योंकि ये सारा नाम सीधे तौर पर जो समय की सरकार सी उन्होंने उपर आ रहा इल्जाम, तो सुखबीर सिंह बादल फिर किवें पिछे रह सकते सी? पर एक गल जरूर है कि 10 साल तक सत्ता का आनंद भोगया और उन्होंने राज दे विच ये सारा कुछ होया, वह मुद्दा जो साड़ियां भावनावां जुड़िया हुआ जो साडे सत्कार नाल जुड़िया होया है। लेकिन लेकिन अफसोस की गल है कि उस ते अज भी हो रही है बहुत वड्डी राजनीति। राजनीति तो होर की है, सुखबीर सिंह बादल अज जिन्ने गड़क के बोल रहे ने उस वेले इहदी रिपोर्ट फड़ के उहदे उपर अमल किया हुंदा तां शायद अज बोलण दी लोड़ ना पैंदी। किसी ने रिसीव तक नहीं कीती रिपोर्ट, पहला सुनदे आ की कहिंदे सुखबीर सिंह जी। बिल्कुल, जोरा सिंह जी ने अच कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच कि 2015 अकाली गवर्नमेंट ने प्रेशर से पुलिस ने डेलीबरेटली जिहड़ा सैक्रेटरीज के केसिस सीगे उन्होंने प्रॉपरली इनवैसटीगेट नहीं किया। कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स लिखे? एक मिनट, मेरी गल दसो, जो आम आदमी पार्टी जब ज्वाइन कर जाए उदों किवें बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स लिखे? छज तो बोले, छांगणी भी बोले, सुखबीर की मिसेज भी कुछ बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल अपना हरसिमरत कौर अपना फर्ज अदा कर रही है। जैसी गल करिए अपना फर्ज ही अदा कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि आवाम प्रति इन्होंने फर्ज तो खत्म हो गए ने, ये हुण अपने आपस च मियां बीबी फर्ज पूरे कर रहे हैं। सुनो, दादू वाले ने भी तुहाडे ते इह रोप लाया कि जस्टिस जोरा सिंह दी जो रिपोर्ट सी उहनूं दबाया गया। तुसीं गल समझ नहीं, जिस स्केच जारी कीते गए सी उहनां नूं जस्टिस साहब तों पुछो कि 84 दा जिहड़ा सज्जन कुमार दे बारे बोलिया कि कांग्रेस दा हथ सी कि दादू साहब ने या उहनां दी बाकी सारे, हले उहनां ने जवाब ऐ नहीं किते उहनां कहा कि कांग्रेस माड़ी है कि सज्जन कुमार माड़ा है ते उहने कीता है। धार्मिक मुद्दे राजनीति करनी छड़ दिओ, राजनीति करनी
पार्टी बाजी तो उपर उठ के सानू कुछ ना कुछ करना चाहिए। कांग्रेस के नेता वेरका साहब भी बोले ने बिल्कुल उन्होंने साहब जोरा सिंह ने इतने तक कहता कि याद करो लफ्ज की तेरे नाल कुत्ते हानि हुई सी बिल्कुल ऐसे लफ्ज वो भी जड़े राजनीति करने वाले लीडर ने उन्होंने को खैर तुसी सुनो आम आदमी पार्टी का वजूद जड़ा है वो बिल्कुल खत्म होने के कगार ते है और आम आदमी पार्टी बहानेबाजिया के नाल कभी किसी इशू नूं उठाने की कोशिश करती है और अपने आप का पाड़ा खत्म नहीं हो रहा तो एक दूसरे के उपर इल्जाम लगाने तो इलावा आम आदमी पार्टी नूं कोई कम नहीं है। पहली गल मैं कहना चाहना कि आम आदमी पार्टी के नवें नवें शामिल होए जोरा सिंह जस्टिस जोरा सिंह साहब उन्होंने इस गल के वास्ते कांग्रेस पार्टी के उपर जड़ा इल्जाम लगाया मैनू इदा लगता कि अगर सरदार जोरा सिंह होरां दा नू जिस तरीके दे नाल जलील करके बादल साहब ने रिपोर्ट लैन तो मना किया पहले वो बादल साहब नू रिपोर्ट देन गए उन्हां रिपोर्ट नहीं लई सुखबीर बादल नू रिपोर्ट देन गए सुखबीर बादल भज गया चीफ सैकटरी नू लभदे रहे उन्हू रिपोर्ट देन वास्ते गए जोरा सिंह जी ते चीफ सैकटरी ने मिलन तो मना करता बार फट्टे ते बह के सरदार जोरा सिंह जी एक सुपरिटेंडेंट नू रिपोर्ट दे के ते वापस आ गए लेकिन जे चंगा हुंदा सरदार जोरा सिंह जी उस वक्त ये सवाल उठांदे उस वक्त प्रोटेस्ट करके एक कमीशन दे उहदे तो अस्तीफा देंदे ते समझ लगदी कि ये गैरत और अनक दा सवाल है। हुण मैं समझना कि अज सरदार जोरा सिंह होरां दा एक कांग्रेस पार्टी के उपर सवाल करना कि अगर जे इदा ना किया जाता तो बादल फड़िया जाता जे उदा कर लिया जाता तो सुखबीर सिंह बादल फड़िया जाता जेकर उदा कर लिया जाए तो समेत सैनी फड़ लिया जाए। लेकिन मैं एक गल कहां कि ये लोकतंत्र है लोक प्रणाली आ ये देश के अंदर कानून का राज आ और कानून अपना काम बाखूबी कर रहा है और अज जेकर ये बादलों का चेहरा नंगा होया ये किन्ने किया भाई ये कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी की सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई के अंदर जिहड़ी ये सरकार है इसने बेनकाब किया है और वो दिन दूर नहीं बड़ी जल्दी तुहानू देखण नू मिलेगा कि हुण बहुते दिन ये बादलों की बार जगह नहीं बड़ी जल्दी कानून अपना काम करेगा सकंजा कसिया जाएगा और मैनू नहीं लगता कि ये सारियां दे विच्चों ये बचनगे लेकिन मैं तुहानू ये गल कहां सारे ही फड़े जाणगे। अफसोस की गल ये है कि वेरका साहब भी बहुत कुछ बोल गए लेकिन किरण जी मसला इत्थे ये है कि 2019 दे विच राजनीतिक पार्टियां दे कोल कोई मुद्दा है जा नहीं। सोम जी तुसी पहला क्लीयर किया सी हुण मुद्दा सिर्फ धर्म दे नाम दे उपर ही होएगा बिल्कुल चाहे पंजाबी एकता पार्टी जो सुखपाल सिंह खैरा ने हुण बनाई है वह भी अपने यही वादे पूरे कर रहे कि बरगाड़ी दे विच कांड होया जिहड़े दोषी ने उन्हों असी सज़ा दवावांगे वह भी पिछले अलाप जिहड़े दुबारा अलापे जा रहे ने जे असी गल करते हैं कि पंजाब की जनता धर्म के नाम के उपर ये सारे इस तरह बेवकूफ बना रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक लोग ही इंसाफ दवाएंगे गुरु ग्रंथ साहब के बेअदबी जी हुई है जिड़िया बेअदबियां होने तो बाद उ गोलीकांड होर सरकार क्यों झूठे वादे करके लोगों बेवकूफ बनाने की लड़ पै रही है लेकिन कार्ज करके कार्जा के उपर क्यों नहीं वोटा लीती जा रही लेकिन लेकिन किरण जी आवाम हूँ बहुत सियानी हो चुकी है मेरी गल याद रखना 2019 दी चोणां विच यही पंजाब दी जनता हर एक राजनीतिक पार्टी नूं देवेगी मूंह तोड़ जवाब।